अपने मोबाइल से आप किसी का भी मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बस उसका फोन आप एक बार अपने हाथ में ले लीजिए। जब उनका मोबाइल अपने हाथ में होंगे तो तुरंत आप प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए और वहां पर सर्च कीजिए ट्रैक माय फोन। सिंपल, इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। और इंस्टॉल करने के बाद इस आइकन को ओपन कर लीजिए, वहां पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर दीजिए और यहां पर आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए, खुद का ईमेल आईडी। और यहाँ पर पासवर्ड कोई भी हो, 1234567 8 ऐसा कोई भी पासवर्ड हो, आप वहाँ पर डाल दीजिए और रजिस्टर पर टिक कर दीजिए। और यहाँ पर क्लिक करें और एक्टिवेट पर क्लिक कर दीजिए। बस उसका फोन आप उसे दे दीजिए। आप देख सकते हैं आपका फोन पे एक ईमेल आएगा, उसकी जरूरत नहीं। अब अपना फोन पे क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए और वहां पर सर्च कीजिए ट्रैक माय फोन। दूसरा विंडो खुल जाएगा, थोड़ा नीचे आए, अब देख सकते हैं ट्रैक माई फोन बेस्ट एंड्रॉइड एप्स, यहां पर क्लिक कर दीजिए। इसका डैशबोर्ड खुल चुका है। अब ट्रैक माई फोन क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर लॉगिन बोल रहे हैं, तो आप जो ईमेल आईडी वहां पर रजिस्टर किया है वही सेम ईमेल आईडी यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर से देना पड़ेगा। तो सिंपल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर वही ईमेल आईडी डाल दीजिए और उसके बाद उसका पासवर्ड। ये आप अपना मोबाइल पर करना पड़ेगा। पासवर्ड कोई भी हो तो चलेगा, 1234567 8 ऐसा कोई पासवर्ड होगा तो चलेगा। बस लॉगिन कर दीजिए। चलिए आपको मैं मेरा कंप्यूटर में ले चलता हूँ और वहां पर अच्छे से दिखाऊंगा क्या इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। सेम एक ही प्रोसेस है, ट्रैक माय फोन सर्च कीजिए और वहां पर फिर से ट्रैक माय फोन, फिर से आप लॉगिन कर दीजिए। सेम ही पासवर्ड, सेम ईमेल आईडी यहां पर डाल दीजिए। और लॉगिन। चलिए आप देखते हैं इसका फायदा क्या है। अब देख सकते हैं यहाँ पर आप उनका फोन, सोचिए ये किसी दूसरा का फोन है। आप जब किसी आपने मेरा ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो डैशबोर्ड चल रहा है
वो सेम प्रोसेस आप मोबाइल पर भी कर पाएंगे। तो आपको दिखाने के लिए मैं कंप्यूटर का यूज़ करता हूँ। अब देखिए, मैंने यहाँ से एक हाई मैसेज किया, दूसरे फ़ोन पर चला गया। अब यहाँ से आप उसका डेटा ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसके मोबाइल पर कॉल कर सकते हैं किसी नंबर से। ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं जो 1234, आप 000999 करके भी आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। उसका वाईफाई बंद कर सकते हैं, उसका कॉल रिकॉर्ड आप कॉल रिकॉर्ड नहीं सुन पाएंगे यहाँ के अंदर। बहुत सारा फीचर है, आपको मालूम नहीं कितना सारा फीचर है। और वहाँ से लाइव फोटो भी खींच सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं, किस जगह पर है, उसका पूरा का पूरा डिटेल्स आप अपने मोबाइल पर देख पाएंगे। और बहुत ही सिंपल, आप देख लीजिए, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ टर्न ऑफ वाईफाई, तो मेरा मोबाइल पर वाईफाई का डेटा ऑन हो चुका है। एक ही प्रोसेस फॉलो करके मैं यहाँ पर ऑफ भी कर सकता हूँ, इसका लाइव फोटो भी खींच सकता हूँ, वो इस वक्त कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा देख पाऊँगा मैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।